हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम बैंक पीओ एग्ज़ाम के लिए और एसएससी एग्ज़ाम के लिए ऐसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस तरीके से एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है और किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है जिस समय ऐसे आप लिखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ब्रश अप योर इंग्लिश बिकॉज द टेस्ट एम्स टू असेस हाउ वेल यू कैन आर्टिकुलेट इन्फॉर्मेशन। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में सामने वाले व्यक्ति के सामने रखते हैं, इसी का असेसमेंट होता है ऐसे के थ्रू। इट ऑल्सो वॉन्ट टू सी हाउ यू कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इट टू अदर्स। मतलब आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है किसी सब्जेक्ट की, उसको किसी दूसरे व्यक्ति से। तो ये चीज़ें इसमें टेस्ट की जाती हैं। यू मे ब्रश अप ऑन सम ऑफ योर ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामर की इसमें स्टडी करना ज़रूरी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स थोड़ा सा देखना ज़रूरी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और जो आप सेंटेंसेस लिखे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हों और सही हों। तो एक तो ये पॉइंट आपको देखना है, और सेकेंड पॉइंट इसको देखते हैं, लर्न हाउ पैराग्राफ्स आर शेप्ड। मतलब आपको पता होना चाहिए किस तरीके से एक पैराग्राफ को लिखा जाता है। पैराग्राफ एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए और आपस में एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ एक लिंक होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगी। ऑल्सो चेक फ्यू टिप्स टू अवॉइड सम कॉमन एरर्स। जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं इंग्लिश की, वो आपको अवॉइड करनी है पूरी तरीके से। तो ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। ट्राई नॉट टू यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दैट यू डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड। टेक्निकल वर्ड या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड या हाई फ्लाइंग वर्ड्स आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने। लैंग्वेज को एकदम सिंपल रखना है और सिंपल वे में अपने आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। वाइल ए गुड वोकेबलरी गोज़ अ लॉन्ग वे, डेफिनेटली एक अच्छी वोकेबलरी का काफ़ी रोल है। और यदि आपके पास अच्छी वोकेबलरी नहीं है तो आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको रीडिंग करनी चाहिए किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स की। आप रीडिंग करें और उस पर अपना एक ओपिनियन बनाएं, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं सारे टॉपिक्स पर। सपोज GST है या डीमोनिटाइजेशन है या साइबर सिक्योरिटी है, इसके ऊपर आपकी अपनी एक ओपिनियन बनाएं और उसके बारे में आप लिखना शुरू करें। तो इससे डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। गलत वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करें, इनअप्रोप्रिएट वर्ड ऐसे में इस्तेमाल नहीं करना है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बाई राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ्स ऑन रेलिवेंट टॉपिक्स। मतलब 10-10 लाइन के रेलिवेंट टॉपिक्स पर पैराग्राफ आप लिख के प्रैक्टिस करें तो आपकी ऐसे की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक छोटा सा टॉपिक लिखें, कोई भी एक छोटा सा, जैसे GST पे आपने 10 लाइनें लिखी, डीमोनिटाइजेशन पे आपने 10 लाइनें लिखी। तो इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा ऐसे लिखने के लिए। नेक्स्ट, लर्न हाउ टू क्रिएट गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एज वेल एज टू अंडरस्टैंड हाउ पैसेज शुड बी रिटन। देखिए, इंट्रोडक्शन पहले देना है, फिर मेन बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन करना है, आपको कंक्लूड करना है ऐसे ऐसे को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फॉर्मेट है, पहले इंट्रोड्यूस करिए, फिर उसको एक्सपेंड करिए और फिर कंक्लूड करिए। तो इसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसको ऑर्गेनाइज वे में यदि आप लिख देते हैं तो एक अच्छा ऐसे आप लिख सकते हैं। ये कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। वंस यू बिल्ड अप योर बेसिक स्किल्स, यू नीड टू स्ट्रेंथन देम फर्दर विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर नोट्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नोट्स। तो जो वेबसाइट्स पर और जो मैगजीन्स पर करंट अफेयर्स के जो नोट्स आपको मिलते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो नोट्स हैं, उनकी मदद से आप एक अच्छा ऐसे किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। तो नोट्स बनाना इसमें ज़रूरी है ताकि आप किसी भी टॉपिक के सारे फैक्ट्स और सारे डेटा आप कलेक्ट कर सकें। वाइल प्रिपेयरिंग मेक नोट्स ऑफ लेटेस्ट इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके आप नोट्स बनाएं। इंपॉर्टेंट कोट्स, कोट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। कुछ लोग शुरुआत में जब इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे को तो एक कोट से उसको शुरुआत करते हैं या कोई डेटा देते हैं वहाँ पर, तो इससे एक अच्छा ऐसे बन जाता है। और की वर्ड्स उसमें आप लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर आपको फॉर और अगेंस्ट कम से कम 5-5 पॉइंट पता होना चाहिए। इसकी मदद से आप उस टॉपिक के मेरिट्स और डीमेरिट्स को आराम से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। सिंस द होल टेस्ट टेक्स प्लेस ऑन ए कंप्यूटर, इट इज़ एडवाइजेबल
दैट यू प्रैक्टिस टाइपिंग ऑन एमएस वर्ड एज मच एज यू कैन। एमएस वर्ड पर कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें ऐसे लिखने की, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा उससे। और मिनिमम 50 to 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पर, यदि आप ऐसे लिखना चाहते हैं या एक लेटर लिखना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये प्रीवियस ईयर ऐसे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, इनके बारे में एक एक ऐसे भी मैं आपको दूंगा। देखिए टू व्हाट एक्सटेंट इज़ आधार यूजफुल, तो आधार कार्ड का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है IBPSPO 2017 के लिए, कि आधार के क्या मेरिट या डीमेरिट हैं और आधार किस तरीके से यूज़फुल है। तो आधार कार्ड के बारे में और आधार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। वीमेन सेफ्टी और वीमेन एम्पावरमेंट की इस समय बहुत बात हो रही है, वर्क प्लेस में वीमेन की सेफ्टी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ इज़ इकोनॉमी रिलेटेड टू कॉमन मैन, ये सारे लास्ट ईयर SBIPO में पूछे गए हैं। गिव आइडियाज़ टू इरेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इसमें आपको आइडियाज़ देने हैं, कुछ सॉल्यूशंस बताने हैं जिससे आप अनएम्प्लॉयमेंट हटा सकें, तो एक अच्छा टॉपिक है ये। इज मैन अ प्रिजनर ऑफ शेकल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या एक मनुष्य टेक्नोलॉजी का गुलाम है, ये इसका मतलब है। तो इस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इन वर्नेकुलर लैंग्वेज, मतलब एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन है पर्टिकुलरली मेडिकल की और बीटेक की, उसको इंग्लिश में दिया जाता है, उसको अगर हिंदी में दिया जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। फेयरनेस ऑफ टैक्सेशन क्राइटेरिया इन इंडिया, टैक्सेशन जो क्राइटेरिया है वो कितना फेयर है, कितना ऑनेस्ट है, इसके बारे में आपको बताना है। मॉनसून डिपेंडेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एथिकल इशू पोस्ड बाय ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का एक ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि इस साल का IBPSPO 2017 आप दे रहे हैं तो ई कॉमर्स का जो ऐसे है वो एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ये आधार का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए। और डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ORP, ORP मीन्स वन रैंक वन पेंशन आर्मी में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स प्रीवियस ईयर IBPSPO में और SBI में पूछे गए थे ये। और इस साल यदि आप पूछें मुझसे कि IBPSPO 2017 में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो मैं नाम लूँगा इन चार टॉपिक्स का। एक तो है साइबर सिक्योरिटी, जैसे अभी रैनसमवेयर अटैक हुआ था आपने सुना होगा, वो भी साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। रैनसमवेयर अटैक पर अलग से कैसे आ सकता है, डीमोनेटाइजेशन एक इस साल की सबसे बड़ी घटना थी, और GST बिल। तो ये चार टॉपिक जो हैं ये IBPSPO 2017 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन चारों टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इन चारों टॉपिक के बारे में कम 10-10 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से आपके प्रिपेयर होने चाहिए। और उन 10-10 पॉइंट्स के बारे में यदि आप 3-3 लाइनें या 4-4 लाइनें लिखते हैं तो 30 से 40 लाइन का आपका एक अच्छा ऐसे बन सकता है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि सारे इन टॉपिक्स के बारे में आपके पास 8 से 10 पॉइंट सॉलिड पॉइंट होने चाहिए, 8 से 10 पॉइंट रेलिवेंट वो पॉइंट होने चाहिए, इनको आप तैयार करें, इनको आप रिवाइज करें, उनके थ्रू आप लिखने की प्रैक्टिस करें। साइबर सिक्योरिटी, रैनसमवेयर अटैक, डीमोनेटाइजेशन और GST बिल, ये चारों टॉपिक IBPSPO 2017 के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो दो टॉपिक और यदि मैं बताना आपको चाहूँ तो एक तो आधार का हो जाएगा, आधार कार्ड किस तरीके से यूजफुल है, और एक ई कॉमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये 6 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस बार के एग्जाम में आने के लिए। देखिए ये कुछ और एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक मैंने निकाले हैं जो यूजफुल हो सकते हैं IBPSPO 2017 के लिए, तो इनको भी आप देख सकते हैं। जैसे इम्पैक्ट एंड स्कोप ऑफ GST बिल इन इंडिया, इस तरीके से आ सकता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसका स्कोप क्या है। डीमोनेटाइजेशन का मैं बता ही चुका हूँ आपको। द बेन ऑफ NPA इन द कंट्री, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो बैंक में होती हैं, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है आपको। ये वीमेन एम्पावरमेंट का मैंने आपको बताया था, स्वच्छ भारत अभियान का एक सैम्पल ऐसे मैं इस वीडियो क्लास में आपको भी बताऊंगा। आधार कार्ड का मैंने आपको बताया था अभी ये, और कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल बैंक्स एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन वर्क फोर्स, कंसोलिडेट कर रहे हैं स्मॉल बैंक्स को, मर्ज कर रहे हैं, तो मर्जिंग पर भी डेफिनेटली एक बैंक मर्जिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है। RTI के बारे में आ सकता है,
ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। रिजर्वेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपका ये प्राइवेट बैंक, वाई डू प्राइवेट बैंक रीप मोर प्रॉफिट रेशो देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट क्यों बनाती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की अपेक्षा। तो ये एक अच्छा हो सकता है, एक अच्छा टॉपिक हो सकता है ये, एक ये वन रैंक वन पेंशन का एक टॉपिक हो सकता है। तो ये टॉपिक भी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऐसे आपको लिख के बताया है, राइट एन ऐसे नॉट मोर देन 300 वर्ड्स ऑन स्वच्छ भारत मिशन एंड इट्स अचीवमेंट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर ये लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको ऐसे लिखना है। नॉर्मली 250 से 300 वर्ड का आएगा ऐसे, और 30 से 40 लाइन, 30 लाइन मेरे हिसाब से सफिशेंट रहेंगी, 30 लाइन उसमें आप लिख सकते हैं तो आपका एक अच्छा ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ और इसका इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको एक ऐसे को लिखना है। इसमें मैंने एक ऐसे और बताया है, इसमें दो ऐसे मैंने बताए हैं आपको। द स्वच्छ भारत मिशन मिशन हैज़ मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस एवर सिंस इट्स लॉन्च इन 2014। मतलब स्वच्छ भारत मिशन ने एक काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है जब से ये लॉन्च हुआ है, अक्टूबर 2014 में ये लॉन्च हुआ है स्वच्छ भारत मिशन। द सैनिटेशन कवर इन रूरल एरियाज हैज़ गॉन अप फ्रॉम 42% टू 60%। मतलब जो सैनिटेशन जो कवर है वो 42% से 60% तक बढ़ गया है। साफ सफाई का जो लेवल है, टॉयलेट बनाने का जो लेवल है, ये इसका मतलब है। इन द मिशन एज द मिशन एंटर्स द थर्ड ईयर ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब 2017 में इसको 3 साल हो जाएंगे, तो इसकी जो प्रोग्रेस है वो 42% से 60% तक हो चुकी है। काफ़ी अच्छी ये प्रोग्रेस है। देर आर रिन्यूड अटेम्प्ट इन नॉट ओनली सस्टेनिंग द मोमेंटम अचीव्ड सो फार बट ऑल्सो इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव मेजर्स टू एक्सपेंड द रीच एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोग्राम। एफिकेसी का मतलब है उसकी इफेक्टिवनेस। तो इसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स चल रहे हैं जिसकी मदद से इसका जो मोमेंटम बना हुआ है, इसकी जो रफ्तार बनी हुई है स्वच्छ भारत अभियान की, उसको मेंटेन किया जा रहा है, और कुछ इनोवेटिव मेथड्स भी अप्लाई किए जा रहे हैं ताकि इसको और अच्छे तरीके से किया जा सके और इसकी एफिकेसी को बढ़ाया जा सके। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर ऑल्सो बींग मेड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड कट कॉस्ट। सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि कट कॉस्ट किया जा सके, मतलब कॉस्ट को कम किया जा सके और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये तो है एक इंट्रोडक्शन, 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों में आपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया। ये एक सैम्पल ऐसे है, इसकी जो वर्डिंग है आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ एक कोटेशन दे सकते हैं नरेंद्र मोदी का या किसी और का, महात्मा गांधी का, शुरुआत में आप एक कोटेशन दे सकते हैं और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सपेंड किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनों में इसको एक्सपेंड किया गया है। द मिशन इनविजेज अ क्लीन इंडिया बाई 2019, मतलब मिशन का जो लक्ष्य है वो 2019 तक क्लीन इंडिया का जो टारगेट है उसको अचीव करना है, क्योंकि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 2019 तक का हमारा टारगेट है और इस टारगेट को हमको अचीव करना है। विच अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, MDWS, शेल मीन एनहेंसिंग द लेवल्स ऑफ रूरल सैनिटेशन थ्रू अ स्लू ऑफ मेजर्स। मतलब इसमें इस टारगेट को यदि आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको रूरल सैनिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और काफ़ी सारे मेजर्स उसमें अप्लाई आपको करने पड़ेंगे। स्लू का मतलब होता है कई सारे, मेजर्स का मतलब होता है उपाय। ठीक है, तो इन उपायों को अप्लाई करके आप सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा कि सॉलिड और वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको किस तरीके से अप्लाई करें। एंड मेकिंग विलेज ओपन डिफेकेशन फ्री, ओपन डिफेकेशन फ्री का मतलब है जो बाहर जो जो जाते हैं टॉयलेट्स के लिए उसके लिए है ये ओपन डिफेकेशन फ्री, ODF। द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, देखिए इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एक अलग से पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला जो पार्ट है, एक है अर्बन वाला पार्ट और एक है ग्रामीण वाला पार्ट। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सीक्स टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब है कि ऐसा होना, ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज बाय प्रमोटिंग क्लेनलीनेस,
हाइजीन एंड रिमूविंग द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफेकेशन। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसका पर्पज़ ये है, उसका पर्पज़ है कि क्लैनलीनेस मतलब साफ़ सफाई को प्रमोट किया जाए, हाइजीन को प्रमोट किया जाए और ओपन डिफेकेशन जो है उसको डिस्करेज किया जाए। तो पहले जो पैरा है, 5 लाइन का जो पैरा है, उसमें इंट्रोड्यूस किया है इस टॉपिक को, और यहाँ पर 6-7 लाइनों में इसको फैक्ट दे के, फैक्ट की मदद से इसको एक्सपेंड किया गया है। इसमें आप आगे लिख सकते हैं कि थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स द मिशन विल इनकरेज कम्युनिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटीज थ्रू स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड हेल्थ एजुकेशन। अनदर एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज फॉर इकोलॉजिकल सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन। तो वही बात कही गई है, इसको एक्सपेंड किया गया है और ये आप पढ़ सकते हैं पूरा, इसको पॉज करके इसमें पूरे डेटा और पूरे फैक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, अंडर द ग्रामीण मिशन विलेजर्स बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन सेगमेंट्स आर गिवन ₹9,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली इंसेंटिव आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड यूज फॉर ईच टॉयलेट बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ग्रामीण मिशन में जो विलेजर्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं या अबव पॉवर्टी लाइन में हैं, उसमें इतनी धनराशि दी जाएगी यदि वो टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। द मिशन ले स्पेशल स्ट्रेस ऑन टॉयलेट्स इन स्कूल्स विद बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज। स्कूल्स में जो टॉयलेट्स बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ग्रामीण जो मिशन है उसके अंतर्गत। कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी टॉयलेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन ऑल विलेजेस इज ऑल्सो अ की एलिमेंट ऑफ द स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है इसमें कि ग्रामीण मिशन की जो स्कीम है उसमें क्या क्या किया जा रहा है। तो ये आपके पास फैक्ट्स सारे होने चाहिए, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए आपके पास 8-10 पॉइंट्स तो बड़े बड़े होने ही चाहिए, तभी आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। अकॉर्डिंग टू MDWS सिंस October 2, 2014, देखिए यहाँ पर फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, 3.34 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैव बीन बिल्ट आउट ऑफ द प्रपोज्ड 120 करोड़ टॉयलेट टू बी बिल्ट इन रूरल एरियाज बाय 2019। मतलब 2019 तक गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है 120 करोड़ टॉयलेट बनाने का, ठीक है, जिसमें से 3.34 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स अभी तक बन चुके हैं। तो ये डेटा और ये फैक्ट आपके पास होने चाहिए, इसकी मदद से आप अपने आइडियाज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 करोड़ टॉयलेट्स इज 1.34 लाख करोड़ सो फार, 1.59 विलेजेस एंड 93 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन डिफेकेशन फ्री। ये सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में, दिस इज नॉट अ मीन अचीवमेंट। तो 3 पैरा आपने यहाँ पर दिए हैं और 2 पैरा यहाँ पर आपने दिए हैं, तो टोटल 5 पैरा में एक अच्छा ऐसे आपका लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से 5 या 6 पैरा आपको एक ऐसे में लिखना है और इस तरीके से आप करते हैं तो एक अच्छा ऐसे आप लिख सकते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में इसमें मैंने बताया है, साइबर सिक्योरिटी का एक ये सैम्पल ऐसे है, इसको आप पढ़ सकते हैं। रैंसमवेयर अटैक अभी जो हुआ था, साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि ATM पर अटैक कर दिया और बैंकिंग जो सिस्टम है उस पर अटैक कर दिया, उसको हैक कर लिया, ये सारा आता है साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, PTM के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और जितने भी ये सारे ऐप्स हैं इनके थ्रू। तो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी का एक जो इशू है वो काफ़ी सेंसिटिव इशू है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये है साइबर सिक्योरिटी, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के मैं इसको बता देता हूँ आपको। साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स थ्रेट्स टू बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब साइबर सिक्योरिटी और इसके खतरे, थ्रेट्स का मतलब है कि इसका खतरा क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा खतरा है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। देखिए यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द वे टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड थ्रेट्स दैट मे डैमेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड द इंफॉर्मेशन। मतलब साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर डेटा को चोरी से बचाना है या थ्रेट से बचाना है जिसमें हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को डैमेज कर दिया जाता है और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको ले लिया जाता है। मेजर एरियाज कवर्ड इन साइबर सिक्योरिटी आर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स हैं। तो फर्स्ट पैरा में आपने 3 लाइन में क्या किया कि इस चीज़ को कि साइबर सिक्योरिटी है क्या और उसके टाइप्स क्या हैं, इसको आपने इंट्रोड्यूस किया है।
यहाँ पर आपने इसको एक्सपेंड किया है, इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एवरीथिंग हैज़ गॉन डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल हो गई है, ये बात सही है। फ्रॉम ऑर्डरिंग फूड टू बुकिंग फ्लाइट्स एवरीथिंग कैन बी डन विद यूज़ ऑफ इंटरनेट, हर चीज़ को आप घर बैठे नेट से कर सकते हैं, चाहे वो खाने का ऑर्डर देना हो, चाहे आपको फ़्लाइट बुक करनी हो, चाहे आपको रेलवे रिजर्वेशन कराना हो, सारी चीज़ें आप नेट से कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी का जो इशू है काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज द बैंकिंग सेक्टर इज इवॉल्विंग एंड गोइंग डिजिटल, सिक्योरिटी इज़ द की कंसर्न फॉर इट डेफिनेटली, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व हो रहा है और धीमे धीमे सारी बैंकिंग डिजिटल होती जा रही हैं, तो सिक्योरिटी का जो इशू है वो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ई बैंकिंग इंडस्ट्री, ई बैंकिंग जो नेट बैंकिंग हम करते हैं, रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया, डीमोनेटाइजेशन एट्सेट्रा हैव ब्रॉट द बूम इन डिजिटल वर्ल्ड, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड पेमेंट्स आर मेड ऑनलाइन ड्यू टू विच मोर फोकस नीड्स टू बी गिवन टू स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो बैंकिंग को साइबर सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना होगा। बैंकिंग सेक्टर इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू साइबर फ्रॉड्स, मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ही ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वो ओपन टू अटैक है। बैंकिंग सेक्टर इज ओपन टू अटैक, दैट इज़ वाई इट इज़ वल्नरेबल टू साइबर फ्रॉड्स, तो साइबर फ्रॉड्स होते ही रहते हैं। द सेक्टर हैज़ सीन वेरियस फ्रॉड्स एंड साइबर अटैक्स, अभी एक रैंसमवेयर अटैक भी हुआ था तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। द रीसेंट आउटब्रेक ऑफ ग्लोबल साइबर अटैक डन बाय ए मेलवेयर नोन एज WannaCry रैंसमवेयर, ये रैंसमवेयर का नाम है WannaCry, इसका अटैक हुआ था 120 कंट्री में, इसका अटैक हुआ था, सारे कंप्यूटर इन्होंने हैक कर लिए थे और ये एक फिरौती मांग रहे थे, एक रैंसम मांग रहे थे कि यदि आपको इन कंप्यूटर्स को चालू करना है जिनमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको हमें एक फिरौती देनी होगी, आपको हमें एक रैंसम अमाउंट देना होगा। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रैंसमवेयर अटैक जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉक्स एक्सेस टू यूज़र फाइल्स एंड इन एन ऑन स्क्रीन मैसेज डिमांड अ हेफ्टी पेमेंट इन द वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन, बिटकॉइन का नाम आपने शायद सुना होगा, एक वर्चुअल करेंसी है ये, क्रिप्टो करेंसी है और इसमें आजकल ट्रांजेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो जो रैंसमवेयर का जो अमाउंट मांगा गया था वो बिटकॉइन में मांगा गया था, एक हेफ्टी पेमेंट, एक बड़ा पेमेंट एक मांगा गया था। इन ऑर्डर टू डिक्रिप्ट द फाइल, मतलब उन्होंने फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया था और फाइलों को डिक्रिप्ट करने के लिए वो एक फ्रॉटी की मांग कर रहे थे, ठीक है, तो ये इसका मतलब है। द मेलवेयर इज बीइंग सेड टू हैव अ पोटेंशियल टू हैक एटीएम्स एंड इनक्रिप्ट यूजर डिटेल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, मतलब ये जो मेलवेयर है ये इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये एटीएम्स को हैक कर सकता है और यूज़र के जो डिटेल्स हैं, उनके जो पासवर्ड्स हैं, उनको इनक्रिप्ट कर सकता है। सच मेलिशियस वायरसेस इफ नॉट काउंटेड ऑन टाइम, और इस तरह के वायरसेस को यदि टाइम पर काउंटर नहीं किया गया, कैन कॉज अनइमेजिनेबल लॉस टू इकोनॉमीज एंड फेल टू कंज्यूमर्स ट्रस्ट इन बैंकिंग, स्पेशली ऑनलाइन बैंकिंग। इनको अगर ऑनलाइन इनकाउंटर हमने नहीं किया तो कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम में वो ख़राब हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और लोग नेट बैंकिंग से डरेंगे, नहीं करेंगे, तो ये इसके थ्रेट्स हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स थ्रेट टू बैंकिंग इंडस्ट्री, रीसेंट स्टेप्स बाय RBI टू कर्ब साइबर थ्रेट्स, मतलब RBI ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको कर्ब करने के लिए, इसको डिस्करेज करने के लिए, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी RBI एंड गवर्नमेंट कम अप विद सम सिक्योरिटी मेजर्स, RBI नोटिफाई द फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी इन बैंक्स टू मिनिमाइज द साइबर फ्रॉड्स, द फ्रेमवर्क will enable bank to disallow the unauthorized access to network and database, protection of customers data and cyber crisis management plan. In the digital world, attackers are finding their way to theft and damage the data. Government needs to adopt some measures to implement the strict security guidelines. तो ये है, और आखिरी में इसका एक कोटेशन दे दिया है नरेंद्र मोदी का, आई ड्रीम ऑफ द डिजिटल इंडिया वेयर साइबर सिक्योरिटी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये एक PM नरेंद्र मोदी का एक आखिरी में कोटेशन दे दिया है, तो किसी भी ऐसे को यदि आप शुरुआत में एक कोटेशन देते हैं और आखिरी में उसको एंड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, इससे एटलीस्ट एक कोटेशन तो आपको देना ही चाहिए किसी भी ऐसे में। तो यहाँ पर मैंने दो आपको सैम्पल आंसर्स बताए हैं,
इनकी मदद से आपको आइडिया लगेगा। सारे मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक भी यहाँ पर आपको डिस्कस किए हैं, तो इन टॉपिक्स को आप तैयार करें, इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, कंप्यूटर प्रैक्टिस करें, इनके नोट्स बनाएं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। और यहाँ पर अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप टेस्ट सीरीज यदि लेना चाहते हैं तो test.englishadvantage.in, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज लेके उसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।